उस्मानिया इदारा हर आंख का तारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सूरतुन निसा की मैंने एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ईमानदारों को झंझोड़ रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ, तर्जमा उसका, तुम्हें क्या हुआ जिहाद नहीं करते, जबकि कमजोर मुसलमान मर्द, औरतें और बच्चे सख्त अजियत में है और वो दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह हमें ऐसी बस्ती से निकाल दे जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और ऐ अल्लाह हमारे लिए अपनी तरफ से कोई दोस्त और मददगार बनाकर भेज दें। इन आयत का शान नुज़ूल ये है, इस आयत का, कि जब सहाबाए किराम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए लेकिन कुछ लोग हिजरत करके ना आ सके, कमजोरी की वजह से, बूढ़े हैं, बीमार हैं, या औरतें हैं, या बच्चे हैं, वो तना हिजरत नहीं कर सकते मददगारों के बगैर, तो उनके जो वहाँ मिलने वाले रिश्तेदार दोस्त वो उनको तंग करते हैं, अजियतें देते हैं कि तुम क्यों ईमान लाए हो, फिर वापस अपने दीन में आ जाओ, यानी जो उनका दीन था कुफ्र वाला उसमें वापस आ जाओ, तो सताते थे और ये अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगते थे, या अल्लाह
इस जालिम बस्ती से हमें निकाल, कोई राह ऐसी हमें मिल जाए कि हम इस बस्ती से निकल जाएं, कोई हमारा मददगार बना करके भेज दे जो हमारी उंगली पकड़ के ले जाए। फतह मक्का से पहले हिजरत के बाद के दरमियान की बात है। तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई, उनकी दुआएं, उनकी इल्तिजाओं का जिक्र किया कि मुसलमानों तुम अल्लाह की राह के लिए जिहाद करो, और इसलिए भी जिहाद करो कि तुम्हारे अपने अजीज व अकारिब, औरतें और मर्द, बच्चे और बूढ़े जो तन्हा हिजरत नहीं कर सकते और जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, तुम्हें उनका दर्द आना चाहिए, उनकी तकलीफ को महसूस करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में लड़ते नहीं। वल मुस्तज़फीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान, कमजोर औरतें मर्द ये दुआएं कर रहे हैं, वहां सताए जा रहे हैं। तो मालूम हुआ, एक तो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद होता है, और दूसरा अपने मोमिन भाइयों की मदद के लिए भी जिहाद होता है, कमजोरों की मदद के लिए भी जिहाद होता है। हदीस पाक में मुख्तलिफ अंदाज में समझाया गया इस मसले को। फरमाया, जो मोमिन है ना, मोमिन ये मोमिन रजुल वाहिद की तरह है, एक आदमी, एक आदमी मैं जो खड़ा हूं, ये हाथ है तो मेरा ही है, आंख है तो मेरी है, टांग है तो मेरी है। जिस तरह एक आदमी के मुख्तलिफ आज़ा होते हैं और पूरा जिस्म उसका मुआविन होता है एक एक उज्व का, आपने फरमाया अगर उसकी आंख बीमार हो जाए तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है, उसका सर भी, सर में दर्द हो तो बाकी आराम से रहता है, सर में दर्द है पूरा जिस्म आराम नहीं कर रहा। तो सारे मुसलमान यूं समझो कि एक फर्द के मुख्तलिफ आज़ा हैं, तो अपने आज़ा की बीमारी को समझो, उसकी तकलीफ को समझो, अपने ऊपर कियास करो कि हमारा भाई और दुश्मन के शिकंजे में है, उसको छुड़ाना है। अगर मैं वहां फंसा होता तो मैं भी चाहता मेरी कोई मदद को आए। गलत तकसीम हुई जिसकी वजह से कश्मीरियों को फंसा दिया, ना इधर के ना उधर के। आज 77 साल तकरीबन हो गए तो वो तो पिस रहे, वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, और जुल्म उन पर हो रहा है। इतनी जन्नत नजीर कहते हैं कश्मीर, जन्नत नजीर टुकड़ा है वो। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शाहरग है, तो वो शाहरग वाले, वो जन्नत नजीर, उन पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और हम मजे से हैं। इस उम्मत के 1400 साल 1500 साल गुजर चुके हैं, वो नमूने छोड़ गए हैं। फिर उससे पहले कितनी उम्मतें गुजर गई हैं, वो भी नमूने छोड़ चुके हैं। हमारे सामने तो सब रास्ते खुले हुए हैं
कि अल्लाह ताला किस तरह मदद करता है। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, बदर में उतर सकते हैं तो पाकिस्तान में भी उतर सकते हैं, उतरते हैं, लेकिन पहले वो फिजा तो पैदा करो। 1000 मुसल्ला के सामने चंद सौ 300 निहत्ते जाते हैं, ये कोई मुकाबला बनता है? लेकिन जब अल्लाह का नाम लेकर खड़े हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने मदद की। वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरि व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है जब तुम कमजोर थे। तो ये क़यामत तक आने वाले लोगों को सबक दिया जा रहा है कि अपनी ज़ाहरी कमजोरी को मत देखो, जब अल्लाह के हुक्म से निकल पड़ोगे तो हमारी मदद तुम्हारे साथ होगी। सिर्फ बयानबाजियां देते देते हुकूमतें बदलती रहती हैं, बदलते जनाब वो कश्मीरी वहां खड़े, उन्हें अब जो उन्होंने कर्फ्यू लगाकर उनकी जिंदगी तंग, उनकी औरतों का क्या हाल है, मर्दों का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, जवानों का क्या हाल है, कोई जेल में सड़ रहे हैं, किसी से ज्यादती हो रही है, कुछ हो रहा है, वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मोतसम बिल्ला खलीफा अब्बासी है और उनकी मुल्क की एक औरत दुश्मन के कब्जे में है, उसने थप्पड़ मारा है अफसर ने, तो एक मुसलमान ताजर वहां से गुजरा, उसको पता चला ये मुसलमान ताजर है। उस औरत ने कहा वाह वाह तसमाहो, एक अरबी अल्फाज है, ऐ मुअतसिम बिल्ला, हम तुम्हारी मदद के मोहताज हैं। आगे उस फौजी ने क्या कहा, हाँ हाँ वो अबलग घोड़े पर तैयार होकर चढ़ के तेरी मदद को आ रहा है। उस बंदे ने जब सुना तो उसने जाकर कह दिया खलीफे को, यूं बैठा था यूं जोश आया उठ गया, बैठ ही नहीं सका, उसी वक्त हुक्म दिया फौरन हमारे मुल्क में जितने अबलग घोड़े हैं सब जितने के मिलते हैं खरीद के मेरे पास लाओ, खजाने के मुंह खोल दी, जितने के महंगे सब जितने मिलते हैं ले आओ। 80,000 घोड़ा इकट्ठा हो गया, वह घोड़े पालते थे लोग, आजकल तो चीजें और हो गई, तो खुद की आदत करते और उन घोड़ों पर अपनी फौज को लेकर जाकर हमला कर दिया। और जनाब वहां पहुंचकर उस औरत को आजाद कराया और उस फौजी को थप्पड़ मारा और कहा मैं अबलग घोड़े पे बैठ के आ गया हूं, क्या करना है तुमने मेरा। हिम्मत है, ईमानी गैरत है, जब ईमानी गैरत हो तो अल्लाह ताला की मदद भी आती है, आदमी को जोश होता है, उसकी ताकत भी बढ़ जाती है और उसके बाद तहतों की ताकत भी बढ़ जाती है। कायद को बड़ा मजबूत होना चाहिए, उसकी कुव्वत और जुर्रत से पूरी फौज पूरी कौम जुर्रतमंद हो जाती है, वो ढीला हो जाए तो सब ढीले। अन्नास वला दीन मुलूकहिम, ये तो एक कुल्लिया है, दीन अपने बादशाहों के तौर तरीके पे होते हैं, वो मुजाहिद हैं मुवहिद हैं तो उम्मत और रियाज भी ऐसे होगी। कोई बहुत से वाकयात हैं इस किस्म के, तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। हम इनको पढ़ते नहीं, अखबार रिसाले थे नावल थे, आजकल वो जो सिर्फ वो मोबाइल किस्म की कोई चीज़ें नहीं बड़ी, वही देखते हैं बस, जिधर देखे आदमी बैठे थे लगा है, टाइम का कोई पता नहीं। अपनी सीरत पढ़े, सहाबा की सीरत पढ़े, मुसलमानों की सीरत पढ़े, मुसलमान बादशाहों की सीरत पढ़े, उन्होंने क्या किया। जिहाद होते हैं, शहादतें भी आती होती रही हैं, क्या हुआ,
मरना तो है ही, किसने नहीं मरना? कोई बैठा है कोई ऐसा कोई कह दे कि मैं नहीं मरना? सब कहेंगे मरना है। तो फिर मरे आदमी, वो कौन सा अपना शेरशाह सूरी है किसने कहा था, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से एक पल की शेर की जिंदगी बेहतर होती है। शेराना जिंदगी गुजारे मुसलमान, शेर होता है, शेरों की तरह रहे। जब तक जमीन के ऊपर हम हैं और रहना है, कोई हमें नीचे नहीं ले जा सकता, और जब हमने मरना है तो कोई हमें बचा नहीं सकता। ये हमारा अकीदा है ना आप लोगों का भी कि नहीं है? मौत का जो टाइम है, फैदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरुन सातम वला यस्तकदमून, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। अभी सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की बातें सुन रहे थे, उनके आज शहादत का दिन है, वफात का दिन है 22 को। उनके हाल देखिए, हालात कैसे, जब खिलाफत संभाल रहे हैं, जिस काफिले को, जिस फौज के लश्कर को हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा, वो सिर्फ जनाजे के लिए रुक गए थे। फौरन इससे फारे होकर फरमाया जाओ जाओ वहां। आप बड़े बड़े सहाबा उमर जैसे कहते हैं हमें मदीने को खतरा है, आप उस फौज को बाहर भेज रहे हैं। फरमाया जिस झंडे को मेरे नबी ने किसी के हाथ में बांधा है, इसको अबू बकर नहीं खोल सकता, जिधर आपने भेजा था ये जाएगा। तो मेरा साथ दो या ना दो, मदीने का कोई हाल हो जाए, जिस लश्कर को नबी ने भेजा है ये जाएगा। जब उसने जुरतबंदी की तो फिर क्या हुआ, लश्कर को कहा शाम को एक जगह, सुबह एक जगह पड़ाव डालना, अगले दिन दूसरी जगह। वो लोग निकल पड़े थे जासूसियों के लिए कि अरब वालों का क्या है, इनका बड़ा वफात पा गया है। तो इधर देखते हैं एक फौज है, इधर एक ही फौज है, हर जगह नजर आई। वो जनाब उद्दे बैठ के कि इनके पास से फौजें बड़ी हैं, मदीना भी महफूज है, ये तो बाहर फौजें भेज रहे हैं। ये सियासत भी होती, ये सियासत से पढ़ने से नहीं होती, पढ़ के मैं फलाना सियासत पढ़ ली है, वो अल्लाह ताला जो है ये सारी जहन में डालते हैं चीजें। तो जनाब कामयाबी हुई, बहुत से मुश्किलात के सिद्दीक अकबर को सामने हुए, सबका मुकाबला किया, 2-2.5 साल की खिलाफत के अंदर काये पलट के रख दी। तो इनकी सीरतें पढ़े, हम सीरतें पढ़ें तो बहरहाल ये आज यौम यकजहती है, कम अज कम हम दुआएं तो करें और नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है इस बात की समझ अता फरमाया, अमल करने की तौफीक अता फरमाया।